Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 4 of exercise 7.3. Question number 11. The printed price of the refrigerator, alright, which is the mark price, is rupees 28,600 and the dealer allows 2 successive discount. 2 discount दिया है उसने refrigerator पे. पहला है 10% and then again 5%. So now we need to find the price which the customer has to pay for the refrigerator. That is the selling price. हम लोगों को find out करना है. Alright? तो चलिए फॉर्मूला वही सेलिंग प्राइस वाला ही है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है. अब वो क्या है? SP is equal to 1 minus 10 by 100 bracket closed, again bracket 1 minus 5 by 100 bracket closed into marked price. ये यहाँ पे ट्विस्ट है. 2 डिस्काउंट उसने दिया, इसीलिए इस तरह से हम लोग दोनों डिस्काउंट को मेंशन करेंगे. बीच में कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स इट इज इनटू. क्लियर? अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं. इज इक्वल टू ये हो गया 90 बाय 100 इनटू 95 बाय 100 इनटू 28600. इक्वल नंबर ऑफ जीरोस कट गया इधर और एक इधर, राइट. 2 5s are 2 1 4 3. All right, 5 1s are 5 19. अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 into 19 into 143. That gives us the amount of rupees 24,453. This is the amount the customer has to pay for the refrigerator after getting 2 successive discounts. So please don't forget to like, share and subscribe my channel if you really enjoy watching it. Question number 12. 2 dealers have marked an article at the same price. The first dealer allows 2 successive discount of 15% and 5%. Whereas the other one allows a discount of 20%. So which is the better offer? So let the marked price of the article be X. Alright, now the first dealer. फॉर्मूलर वही SP वाला है. SP is equal to 1 minus 15 by 100 bracket closed, again open bracket 1 minus 5 by 100 bracket closed into MP. ऑल राइट, क्योंकि फर्स्ट डीलर 2 डिस्काउंट दिया था 15% एज वेल एज 5%. सो आफ्टर LCM ये हो गया 85 by 100 into 95 by 100 into X. So इसको रिड्यूस करते हैं 5 टाइम्स टेबल पे, तो ये हो गया 20 और ऊपर में 17. ये भी आपका 5 से जाएगा 20 and 19. तो यहाँ पे ये क्या हो गया 17 by 20 into 19 by 20 into X. अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा रुपीज 323 by 400 X. ये हमारा निकला SP ऑफ द फर्स्ट डीलर. इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, राइट. नाउ वी विल मूव ऑन टू द सेकेंड डीलर, जो कि एक ही डिस्काउंट दिया था, वो था 20% का. तो अब इसका हम लोग SP निकालते हैं. प्रोसेस वही है. SP is equal to 1 minus 20 by 100 into X, which is the mark price. राइट? सो ये हो गया 80/100 इंटू एक्स. तो ये हो जाता है उसका एसपी विच इज अमाउंट 80/100 एक्स. इसको हम रिड्यूस नहीं करेंगे, राइट? नाउ लेट मी एक्सप्लेन फर्दर. ये फर्स्ट डीलर का एसपी है 323x/400 और ये सेकेंड डीलर का एसपी है 80/100 एक्स. नाउ इन दोनों को कंपेयर करने के लिए वी हैव टू मेक श्योर कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो. हम लोगों को ये दोनों फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट करना होगा, तभी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा डिस्काउंट अच्छा था. तो उसके लिए क्या करना होगा, दिस इज 400 एंड दिस इज 100 द डिनोमिनेटर, राइट? तो इसको अगर हम लोग इनटू 4 करते हैं तो हम लोग का डिनोमिनेटर 400 हो गया. लेकिन जब हम लोग इक्विवेलेंट करते हैं तो जब डिनोमिनेटर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, सिमिलरली उसी नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं. आई होप यू ऑल रिमेम्बर दैट, राइट? तो ये हमारा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 320x. तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट डीलर 323/400x and second dealer 320x/400. तो कौन सा ज्यादा है? नो डाउट 323 इज ग्रेटर देन 320. Hence, the second offer is better. Now, let me explain again. ये है 323x/400. This is 320x/400. No doubt, ये amount SP का बड़ा है, right? और ये कम है. That means, for instance, अगर आप एक पेन खरीदते हैं एक दुकान से, वो 10 रुपये में देता है और दूसरी जगह वही पेन अगर 8 रुपये में मिलता है, तो आपका बेनिफिट कहाँ हुआ? जहाँ पे आपने कम अमाउंट दिया 8 रुपया वाला. तो इसीलिए यहाँ पे सेकेंड ऑफर इज बेटर बिकॉज यू हैव टू पे लेस फॉर दैट आइटम. सो हियर वी हैव द आंसर. नाउ द लास्ट सम ऑफ एक्सरसाइज 7.3 विच इज सम नंबर 30. Find a single discount which is equivalent to 2 successive discounts of 30% and 10%. All right? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले let the mark price be x. ये sums थोड़ा गौर से देखिएगा. It is quite different from what we have done so far. Alright? तो यहाँ पे बोला गया है फाइंड अ सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 10%. सो इक्विवेलेंट मीन्स इक्वल. तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं, ये देखिए ओपन ब्रैकेट 1 माइनस डी, डी हो गया डिस्काउंट, ओके, बाय 100 ब्रैकेट क्लोज्ड इनटू मार्क प्राइस विच इज एक्स. One single discount, all right, which is equivalent, that means equal to 2 successive discounts, all right, that is 1 minus 30/100 bracket close, again 1 minus 10/100, 2 successive discounts of 30% and 10% of x. This is the single discount which is equivalent to 2 successive discount और mark price in both the cases is x. तो यहाँ पे हम लोग solve करते हैं. तो सबसे पहले x and x कट गया, right? तो ये क्या हुआ 1 minus d by 100 is equal to, ये हो गया 70/100 into 90/100, right? 0 0 कट गया. सो वी कैन राइट लाइक दिस 1 माइनस डी बाई 100 इज इक्वल टू 7 9s are 63/100. सो माइनस डी बाई 100 इज इक्वल टू माइनस 1 plus 63/100. जब ये हाउस शिफ्ट किया तो नो डाउट साइन ऑल्सो चेंजेस, वी ऑल नो, राइट। तो यहाँ पे माइनस डी बाई 100 इज इक्वल टू, इसका जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो ये हो जाएगा -100 प्लस 63। इट शुड बी लाइक दिस, -1 प्लस 63 बाय 100, राइट। अब इसका जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो ये हो जाता है -100 प्लस 63, तो हमारा नेगेटिव आंसर आएगा विच इज -37 बाय 100। नेगेटिव साइन गॉट कैंसल्ड, ऑलराइट। सो D is equal to 37, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट। सो 37 बाई 100 इंटू 100 एंड 100 कट गया, सो हमारा डिस्काउंट हो गया 37%। दिस इज द सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्विवेलेंट टू द टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% and 10%. So with this we come to the end of exercise 7.3. Please friends, don't forget to write down your comment of what you think about my videos.